जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है और एक विंडो भी है। तो दिखा रही हूँ यहाँ से बाहर से व्यू, ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल सोमदत्त जर्नी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि ये एक जर्नी ब्लॉग है और अभी हम लोग जा रहे हैं कोयम्बटूर की तरफ। तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी है नेशनल हाईवे NH 44 और अभी जैसे कि थोड़ा जैम है। तो हम लोग बैंगलोर से ये जर्नी स्टार्ट किए हैं और अभी हम लोग का बैंगलोर से कोयम्बटूर का जो जर्नी है ऑल ओवर 6 to 7 hours तक है। तो पूरा वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स देने वाली हूँ, हम लोग कहाँ पर रहने वाले हैं और ऑल ओवर क्या है इसका जो भी डिटेल्स है। तो इसके लिए पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज का अगर मैं आपको हाईलाइट दूँ तो आज का मेन अट्रैक्शन रहेगा कोयम्बटूर में जो हम लोग आदि योगी शिवा स्टैचू हम लोग जाने वाले हैं और उसका डे और नाइट का व्यू मेनली मैं मतलब कैप्चर करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में रहे और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 3 hours जर्नी मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिमेनिंग 3 hours जर्नी कैसा रहेगा ऑल ओवर बीच बीच में आपको थोड़ा अपडेट देते रहूँगी। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो अभी जैसे कि हम लोग लंच के लिए रुके हैं इधर, तो ऑलमोस्ट 1 hour अभी बाकी है। तो हम लोग लंच के लिए 15 to 20 minutes तक हम लोग को लगेगा। तो अभी हम लोग के लिए हम लोग 2 veg meals ऑर्डर किए हैं। तो फिलहाल आने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 2 o'clock। तो लेट्स सी। तो जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग, हम लोग का ऑलरेडी मील अभी लग गया है और ये प्योर जो होता है ना मतलब होमली यहाँ का जो ट्रेडिशन ये लोग मानते हैं। तो ये जैसे कि बनाना लीफ है और इसके ऊपर 2 मतलब ऐसे दिए हैं। तो अभी खाकर ही बताएंगे कैसा है, लेकिन होता है बहुत ही टेस्टी। और साइड में ये दिया गया है पिकल। तो ये देखिए, तो देखिए क्या क्या दिया गया है। ये पापड़ है और ये रसम सांबर कर्ड एंड आई थिंक ये है आपका सूजी जिसको बोलते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग को बहुत ही भूख लगा है, स्टार्ट करते मील और अभी राइस देने बाकी है। तो वेट कर रहे राइस के लिए। तो जैसे कि हम लोग का मील अभी आ गया है आप लोग को जैसे कि मैंने दिखाया, और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। और ये जो मील है टोटल हम लोग 2 ऑर्डर किए हैं, तो पर मील का है 120। और अभी खाकर ही हम लोग बताएंगे कैसा है, लेकिन देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग रुके हैं अन्नपूर्णा एक मतलब रेस्टोरेंट में। तो ये फॉलो करता है पूरा ट्रेडिशन इन लोग का जो है बनाना लीफ में खाना देना। तो हम लोग जल्दी करके खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ का जो साइट का जो आसपास का जो है बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। तो बहुत अच्छा किया हम लोग इधर रुक गए लंच के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाता। ये देखिए सराउंडिंग बहुत ही अच्छा है। तो अन्नपूर्णा आप लोग भी अगर इधर से मतलब जाते हो तो मैं रेकमेंड करूँगी। तो खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो चलिए अभी फिर से जल्दी जल्दी मतलब हम लोग को लेट ना हो जाए, जल्दी जल्दी हम लोग मतलब कार में उठ जाते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा अभी जाते जाते। तो चलिए बाद में आपके साथ बात करती हूँ। सो
दिस इज द कोयम्बटूर सिटी। तो ये देखिए, जस्ट 2 मिनट हुआ हम लोग एंटर कर चुके हैं। और एक चीज मुझसे मिस हो गया, वो है कोयम्बटूर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था। तो मुझे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आ रही हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन जाने के टाइम अगर हो सकता है मैं ज़रूर शूट करूँगी। तो ये देखिए, सिटी बहुत ही अच्छा है और छोटा सा है। तो अभी मुझे बीच बीच में बहुत सारे मॉल्स वगैरह दिखने को मिल रहा है, अच्छा है बहुत। और अभी देखिए हम लोग का मतलब लेट ही हो गया है, अभी 4 o'clock हो रहा है। ये देखिए अभी 4:03। और यहाँ का जो ऑल ओवर टेम्परेचर है ये है 38 degrees। तो बहुत ही ज़्यादा सनी वेदर है, और समर में मतलब क्या बोलूँ आपको, इतना ज़्यादा गर्मी है कि बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से जो कोचीन जाने का मतलब यही वे है, और जैसे कि देख पा रहे हो ये 225 किलोमीटर है यहाँ से, तो ऑलमोस्ट पास ही है। अगर होता है तो आप लोग यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये तो मैं कोयम्बटूर का आपको ऑल ओवर मतलब बताऊंगी। तो चलिए ये देखिए यहाँ का ट्रैफिक एंड ऑल। तो फिलहाल के लिए हम लोग कोयम्बटूर में जो यहाँ का सबसे पॉश एरिया है गांधीपुरम, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए आसपास का थोड़ा दिखाऊंगी। तो जैसे कि हम लोग सुबह 7:30 के आसपास से मतलब घर से निकले थे, और अभी तो बज रहा है 4:05। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो गया ये जर्नी, लेकिन अगर आप मतलब अर्ली मॉर्निंग अगर आप आते हो तो उस हिसाब से आप आराम से पहुंच जाओगे विद इन 6-7 आवर्स। तो हम लोग का एक्चुअली लंच ब्रेक ब्रेकफास्ट वो करते करते थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ऑल ओवर बहुत ही स्मूथ रहा। तो जैसे कि ये गांधीपुरम का लोकल एरिया है, मार्केट जगह है, बहुत अच्छा है यहाँ का मार्केट। और बीच बीच में ही मुझे मॉल दिखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारी जगह सैम रेसिडेंसी। तो चलिए आपको भी ले जाते हैं अंदर। तो ये देखिए ये है फैप का सैम रेसिडेंसी, और ये एंट्रेंस। तो अभी हम लोग जस्ट निकलेंगे, तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ। तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ यहाँ से बाहर से व्यू, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखने में है। और सामने ही पूरा रोड है, रोड के साइड में ही है। तो देख पा रहे हो यहाँ से एंट्रेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये है हम लोग का एंट्रेंस, और इसका नाम है फैब सैम रेसिडेंसी। तो आज रात के लिए हम लोग हॉल्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल के लिए हम लोग कहीं और जाने वाले हैं। तो जो भी है इस रूम का हर एक डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग मतलब लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर में है ऊपर का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 1 नाइट के लिए स्टे किए हैं, तो पर डे का इसका है 2200, और विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो 8 to 9 o'clock तक अवेलेबल है। तो यही है इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी रूम के अंदर आपको दिखाती हूँ कैसा है ऑल ओवर।
तो मैं आप सभी लोगों को भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हम लोग का रूम है कोयम्बटूर का, और ऑल ओवर रूम बहुत ही अच्छा है हम लोग का। जैसे कि किंग साइज बेड दिया गया है, और इतनी गर्मी है तो एसी तो एकदम मस्त चाहिए चाहिए यहाँ पर। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, और एक विंडो भी है। चलिए देखते हैं विंडो कैसा है। तो ठीक ठाक ही है, और टीवी है ऐसे। तो मेनली हम लोग का जो ट्रिप है ये कल के लिए है, तो ये तो कोयम्बटूर हम लोग का जस्ट आज का नाइट हॉल करना था, तो इसी वजह से। और ये जैसे कि एक वार्डरोब दिया गया है, तो चलिए इधर भी एक रैक है, ये देखिए अच्छा स्पेस दिया गया है। और इस साइड का मैं थोड़ा खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। तो छोटे में से बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। और ये है वॉशरूम, तो ये जैसे कि वॉशरूम है, ये देखिए ये नीचे का जो टाइल्स है बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर। तो चलिए जल्दी करके मैं रेडी हो जाती हूँ। हम लोग का जो हम लोग प्लान किए हैं आज के लिए आदि आदि योगी शिवा टेम्पल के लिए, मतलब स्टैचू के लिए, तो उसके लिए रेडी हो जाता है। तो जल्दी करके रेडी होकर फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए लेट्स गो।